पिपिलीरे विद्युत समस्यार हेब समाधान। डिसेंबर सुधा मंगलपुर निकट ठणठणा 132/33 केवी विद्युत ग्रिड सबस्टेशन रु पिपिली को 33 केवी विद्युत जोगाण हेबो बोली प्रतिश्रुति देछि टीपीएस ओडीएल। स्थानीय विधायकों सहित टीपीएस ओडीएल अधिकारी आलोचना पर नूतन ग्रिड बोली देखिछन्ति शक्ति विभाग सचिव निकुंज बिहारी धल। एथिपाई 15 कोटी टंका विभाग पक्षरु मंजूर हो सारिथिबा बेले खूब शीघ्र कार्य आरंभ हेबो बोली टीपीसी ओडीएल सीईओ अरविंद सिंह सूचना देछन्ते। एतिसह निमापड़ा स्थित दिघाल ग्रिड्रु पिपिली को संजोग होइथिबा 33 केवी फिडर लाइन रो नवीकरण और मरामती कार्य 15 दिन मध्य आरंभ करा जाए सेप्टेम्बर 15 सुधा शेष करा जिबा। इशू है हमें बताया गया था, तो हम वही प्रॉब्लम तो हमें मालूम था, सो हम लोग ने 2-3 चीज़ें प्लान करी हैं। एक तो इमीडिएटली हम लोग जो भी मेंटेनेंस का काम है वो कर रहे हैं, अगले 15 दिन में बहुत ज़ोरों से करेंगे और उसको 15 सितंबर तक ख़त्म कर देंगे। एक पुराना केबल डालने का काम था जो सेकेंड सोर्स है, अभी 42 किलोमीटर की लाइन है, सर्किट किलोमीटर की लाइन, उसमें बहुत सारे फॉल्ट्स होते हैं, पुरानी लाइन है 35 साल, तो एक सेकेंड सोर्स हम लोग लेकर आ रहे हैं। वो 33 के सेकेंड सोर्स का बजट सैंक्शन हो गया, केबल प्रोक्योरमेंट हो रहा है, धनतना ग्रिड है वो PTCL का, वहाँ से आएगा। एक बार वो आ जाएगा तो पिपली को सेकेंड सोर्स आ जाएगा। ये काम हम दिसंबर तक कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट चल रहा है, एग्जीक्यूशन हम कर देंगे 8 घंटे 12 घंटे 16 घंटे काम करके ये हो जाएगा। सो टोटल हमारे पास करीब 15 करोड़ है, जिसमें ये 42 करोड़ की पुरानी लाइन का अपग्रेडेशन होगा, कंडक्टर बदलेंगे, इंसुलेटर्स बदलेंगे, पोल काफ़ी ख़राब हो गए वो बदलेंगे, और 5 करोड़ ये जो तंडना से केबल आएगा उसका, और एक और थर्ड सोर्स भी हम 33 केवी का ला रहे हैं। सो ये तीनों काम करने के बाद अगली गर्मी में ये इश्यूज नहीं आने चाहिए, ओवरलोडिंग का भी इशू नहीं आएगा और रिलायबिलिटी की भी इशू नहीं आएगी। सो ये हमारा प्लान है। थंतना से वो झिलमिली पटना तक कितना? नहीं, हम थंतना से हम जो ला रहे हैं वो एक 5.2 सर्किट किलोमीटर्स का एक अंडरग्राउंड केबल आ रहा है, और वहाँ से ओवरहेड सेक्शन जो है मंगलपुर तक, मंगलपुर से पिपली का ओवरहेड लाइन है करीब, तो वो ओवरहेड लाइन बहुत छोटा है, तो फॉल्ट आएगा तो जल्दी आइडेंटिफाई होगा। अभी हर फॉल्ट पे 42 किलोमीटर का हमको पेट्रोलिंग करना पड़ता है, तो वो ख़त्म हो जाएगा। सो दिसंबर तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए, और पूरी 42 किलोमीटर लाइन का मेंटेनेंस हम गर्मी से पहले कंप्लीट कर देंगे। सो पूरे प्लान हो चुका है, एग्जीक्यूशन टाइम से करेंगे, तो आने वाले दिनों में आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। और एक मेजर प्रॉब्लम है, यहाँ पिपली सब स्टेशन से जा रहा है जो पिपली टू का लाइन, वो एक गांव होके जा रहा है, बार बार प्रॉब्लम हो रहा है। सो वो 11 केवी लाइन है, 11 केवी का लाइन, वो चेंज होना जरूरी है। ठीक है, वो भी हम अपने प्रोजेक्ट में डाल लेते हैं, उसको भी कर लेंगे, वो तो छोटा काम है, उसके लिए ज़्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, हम करवा देंगे। एने पिपली स्थित विद्युत कार्यालय विधायक रुद्र प्रताप सहित सीओ अरविंद सिंह आलोचना करिछंती। बालकाटी निकटवर्ती प्रताप शासन ग्रिड रु ड्राही अच्युत नगर PSS दे पिपली को 33 केवी लाइन संजोग करा जिबा द्वारा पिपली को मोट 3 टी 33 केवी लाइन संजोग रहिबो, तेणु पिपली रा विद्युत समस्या रा स्थायी समाधान हेबो बोली विधायक कहिछंती। कौन आलोचना होला? निश्चित रूप में धन्यवाद देवी TPCODL सीईओ अरविंद सिंह सर को, सी आज सहित मोर व्यक्तिगत भाव में आलोचना आमर लोक प्रतिनिधि मैंने उपस्थित अच्छे धन्यवाद देवी। खूब सर्ट नोटिस खबर मिलला सार आसिट आम आसलु और सांगसत आलोचना कर सबस्टेसन पिपली सबस्टेसन और जो मेजर समस्या थी जो आपने जानूं जेहेतु पावर जदि फ्लक्चुएसन होती पावर वोल्टेज अप डाउन होती पावर कट हो तार मेंटेनेंस बाबद केते जल्दी हो पार से विषय आलोचना करूँ और जेहेतु आम डिगालू आसूरी पखापाखि 40 किलोमीटर ऊर्ध डिस्टान्स आसा जहाँ अरविंद बाबू कहते तार फल्ट डिटेक्शन भी बहुत टाइम लग जा चेक करने कौटी फल्ट हो तार रिस्टोरेसन कला बेलू बहुत समय लग जा तो ताकू समाधान करवाई आम 33 केवी रो गोटे पावर सोर्स थी जोटा दिघालू पाखापाखि 40 किलोमीटर ऊर्ध आसाला बर्तमान स्थित आम ठणठणा ग्रिड्रु अंडरग्राउंड मध्यम पाखापाखि 5.2 किलोमीटर्स ताकू अंडरग्राउंड आने जहाँ पाखापाखि 5 कोटी टाँग खर्च हेबू स्पेशल आप्रुवाल मिल जाए जहाँ कहते सीटा डिसेम्बर सुधा तक कम्प्लीट करार आमको कथा देखते कम खूब शीघ्र आरंभ कर अलरेडी 15 दिन तले तार मेटेरियाल प्रोक्योरमेंट अर्डर दे देते मुझे जो भेटी मत कथा देते कि आम तुरंत स्टार्ट करूँ ता सहित आमर आम निर्वाचन मंडली डेलांग पिपली निर्वाचन मंडली जो समस्या थी विद्युत समस्या बर्तमान स्थित 33 केवी
गोटे जगार सोर्स पावर सोर्स आसला बर्तमान से आम ठंटना ग्रिड रू जहाँ डिसेम्बर सुधा हो आ गोटे प्रतापनगर बैकअप सोर्स गोटे आउटे तीन टा सोर्स आम रही अरेंजमेंट कर पाखापाखि 15 कोटी रु ऊर्ध खर्च हे ता सहित जो आम दिघाड़ जो आसूँ कनेक्शन जेहेतु आम बात्या बना हिट एरिया जो कंडक्टर रही इन्सुलेटर रही विभिन्न पोल्स रही जोटा पाखापाखि 600 पोल रही जदि आप देखिए पाखापाखि 200 पोल अलरेडी जो कम रिपेयर सर लंग प्रोसेस एप्रिल सुधा कमिंग एप्रिल सुधा से कथा देते टोटाल दिघाड़ आम पिपिली पर्यंत जो पोल्स रही तार कंडक्टर रही पूरा स्ट्रेंडेनिंग अपग्रेडेशन करदेवे आम कथा देते तो मुझे समस्त को धन्यवाद दूँगी टीपी शेड्यूल समस्त ऑफिशियल मानू एवं सांबादिक बंधु मानू धन्यवाद दूँ आप आसिकी आपण मध्य बहुत खबर आम पाई आप कवर करते आम आशा और विश्वास समस्त सहयोग में ये बड़ समस्या खूब जल्दी समाधान हो।